एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू YouTube चैनल प्रिया मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट एफ सीमर, मेरे साथ हैं मेहरान से। नाज़रीन, इंडिया से बहुत बड़े जो है ना एक वेपन्स की डील हो रही है, ब्रह्मोस डील। ब्रह्मोस डील की बहुत पहले, ब्रह्मोस की ना बहुत ही पहले जो है इसकी एक हाइप थी, क्रिएट हो चुकी थी और फिर इस पर आया था जी ये कैंसिल हो गया है, ये दोबारा से हो रही है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री जो है जो इंडियन वेपन्स के हवाले से ब्रह्मोस डील की प्लानिंग कर रहा है कि वो ब्रह्मोस डील को करने जा रहे हैं इंडिया के साथ और इंडिया की एक बहुत बड़ी वेपन्स को जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं। तो इस हवाले से एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लेंगे, साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मैं सब्सक्राइब और चैनल अब आइकन को लास्ट भी प्रेस वहीं चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार एवरीवन, मैं लूगल अफेयर जो प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप सब लोगों को पता लग चुका होगा कि फिलीपींस कौन सा कंट्री है, कहां पर लोकेटेड है। ये बहुत न्यूज में था रिसेंटली क्योंकि फिलीपींस बना है ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परचेजर। 375 मिलियन डॉलर की डील में ये लोग ब्रह्मोस परचेज करेंगे फ्रॉम इंडिया। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि इस अमाउंट का 49% जाएगा रशिया को, 51% ही मिलेगा इंडिया को। मगर फिलीपींस ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए, इन्होंने ये कहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की जो परचेज हमने करी है फ्रॉम इंडिया, ये बस शुरुआत है, दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर फिलीपींस संकेत ये दे रहा है कि इन द फ्यूचर ये लोग बहुत से और वेपन्स परचेज कर सकते हैं भारत से। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिलीपींस को इन द फ्यूचर इंडिया कौन कौन से वेपन्स बेच सकता है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, और सबसे बड़ी बात, फिलीपींस एक ऐसा कंट्री जिसको यूएस ने सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है। यूएस ने लिटरली लिखित रूप में एक ट्रीटी के अंदर बोल रखा है कि फिलीपींस पे अटैक मतलब कि यूएस पे अटैक। तो ऐसा कंट्री अब इंडिया से वेपन्स क्यों परचेज कर रहा है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अब सरकार ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि 5G स्पेक्ट्रम होगा, सरकार को पैसा मिलेगा, एयरटेल, रिलायंस जियो, ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके सरकार से 5G स्पेक्ट्रम परचेज करेगी। आपको ये बताना है कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम कितने सालों के लिए बेच रही है, जो भी ऑक्शन होगा ये कितने साल के लिए होगा, कितने साल तक एयरटेल, जियो, बाकी कंपनियों के पास ये भारत में 5G स्पेक्ट्रम ऑपरेट करने का लाइसेंस होगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 5 साल, 200 साल, 20 साल या फिर 99 साल। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट को हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन पे। ब्रह्मोस ठीक है फिलीपींस ने परचेज किया, मगर यूएस की सिक्योरिटी गारंटी होने के बावजूद फिलीपींस ये मिसाइल परचेज क्यों करेगा? रीजन देखिए इसका बहुत ही सिंपल है। रिसेंटली जिस तरीके से यूएस ने पुल आउट किया अफगानिस्तान से और जैसे यूएस ने दूर दूर से सपोर्ट किया यूक्रेन को कि हम ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, हम पे बंदिशें हैं, तो ये सब देखकर अब जापान, ना सिर्फ फिलीपींस, एक्चुअली आप देखोगे जो भी देश जिनको यूएसए ने सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है वो कंट्रीज अपना डिफेंस बजट खुद ही बढ़ा रही है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि जब एक्चुअल वॉर स्टार्ट होगी तो जो यूक्रेन के साथ यूएस ने किया है हो सकता है कि इनके साथ भी करे, कि हम देखिए चाइना के साथ वॉर स्टार्ट नहीं कर सकते जापान की खातिर, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जापान ने भी जो अपना डिफेंस बजट है ये बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, फिलीपींस भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। इसके अलावा देखो रिसेंटली यूएसए के जो थिंक टैंक है वहां पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है, और ये जो थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स है मैटर इसलिए करती है क्योंकि ज्यादातर यूएस गवर्नमेंट इन्हीं थिंक टैंक्स की रिपोर्ट के हिसाब से इवेंचुअली काम करती है। इन रिपोर्ट्स में ये लिखना स्टार्ट हो चुका है कि फिलीपींस का यूज क्या है अमेरिका को, यूएस भी अब आज के समय अपने एलाइज चुन के बना रहा है कि हाँ ये काम का कंट्री है, ये जेन्युइनली हमारी हेल्प कर सकता है। अमेरिकन खुद सोच रहे हैं कि फिलीपींस आसियान कंट्री, छोटा देश है, ना ज़रा आबादी है, ना ज़रा मिलिट्री है, ना ज़रा डिफेंस बजट है, तो क्या फिलीपींस अमेरिका का एक यूजलेस एलाई है? तो जब ऐसी बातें यूएस में डिस्कस होना शुरू हो जाती है, ऑब्वियसली फिलीपींस एक ऐसा देश जिसने बहुत ही लंबे समय से कोई जंग लड़ी नहीं है, कोई वॉर एक्सपीरियंस है नहीं इनके पास, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, चाइना से खुद को बचाने के लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। और हाल ही में फिलीपींस की मिलिट्री ने एक सेल्फ रिलायंट डिफेंस अप्रोच अपनाई है, मतलब कि आत्मनिर्भर फिलीपींस, ऑफकोर्स
जो आत्मनिर्भर भारत है, इट इज मोर डायनामिक, वहां पे इकोनॉमी, मिलिट्री, साइंस एंड टेक, बहुत सारी चीजों को हम ऐड कर देते हैं टू मेक इंडिया टोली सेल्फ रिलायंट। मगर फिलीपींस का भी के लिए मानना यह है कि यूएसए पे डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी। कल को फिलीपींस पे अटैक होता है तो फिलीपींस के नागरिक ही खुद अपनी धरती को बचाने की कोशिश करेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह आएगा, मगर फिलीपींस इंडिया से ही वेपन्स परचेज क्यों कर रहा है? यूएसए है, यूएसए से वेपन्स परचेज कर लो। इसराइल एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, रशिया पर तो सैंक्शंस का इशू आ जाता है, मगर और भी कई देश है। व्हाई इज फिलीपींस गिविंग प्रेफरेंस टू इंडिया? देखिए, इंडिया से फिलीपींस को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स मिल सकते हैं ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स पर। हमारा अभी तक एक डिफेंस एक्सपोर्टर के मामले में बड़ा ब्रांड नहीं बना। आप कह सकते हैं इसराइल, आप अगर देखो इसराइल का और यूएसए का बहुत आम आर्मी के रिलेटेड वेपन्स आ रहे हैं, वो बड़े एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया। हां, इंडिया भी उस चीज में नहीं, इंडिया दूसरे मामले में कुछ खास होगा इस मिसाइल में। तो सिंस इंडिया के पास अभी वो एक ब्रांड वैल्यू है नहीं डिफेंस मार्केट में, तो इंडिया के वेपन्स रिलेटिवली सस्ते हैं कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। और सिंस फिलीपींस का टोटल बजट ही आप अगर देखो तो 4.4 बिलियन डॉलर्स का है, इसमें से आप इमेजिन कर सकते हैं ये सैलरीज पे करते हैं, पेंशन पे करते हैं, कई और खर्चे होते हैं मिलिट्री के, तो जो प्रोक्योरमेंट का अमाउंट बचता है इनके पास मेरे हिसाब से 1 बिलियन डॉलर से ऊपर का नहीं होता होगा। उसमें से आप इमेजिन कर सकते हैं कि 375 मिलियन डॉलर तो इंडिया ने ले लिए ब्रह्मोस मिसाइल के। उस सब के अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह भी आता है कि फिलीपींस को भी इश्यूज हैं चाइना से, इंडिया को भी इश्यूज हैं चाइना से, तो फिलीपींस और इंडिया नेचुरल पार्टनर्स भी यहाँ पर बन जाते हैं। फिलीपींस डिपेंड कर सकता है इंडिया पे कि कल को अगर वॉर होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इंडिया की तरफ से स्पेयर पार्ट्स या फिर वेपनरी की कमी नहीं आएगी, इंडिया अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करेगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, मगर फिलीपींस इंडिया से क्या क्या परचेज कर सकता है? देखिए, फिलीपींस की अभी के लिए सबसे बड़ी नीड बता क्या है? सबमरीन। आप अगर फिलीपींस की लोकेशन देखो, समुद्र से घिरा हुआ है, चाइना की नेवी इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ऑब्वियसली ये कुछ सबमरीन्स चाहेंगे। और इंडिया ने रिसेंटली बहुत सारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई हैं। इंडिया इज वेरी मच कैपेबल ऑफ बिल्डिंग सबमरीन्स इटसेल्फ, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। फिलीपींस इन द फ्यूचर इंडिया से सबमरीन्स परचेज कर सकता है, इंडिया की कंपनियों को सबमरीन के ऑर्डर दे सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। ये ऑर्डर ऐसे नहीं होंगे कि 2 बिलियन डॉलर के इकट्ठे आ गए, क्योंकि इनका जो डिफेंस बजट है खुद 4 बिलियन डॉलर का है। ये ऑर्डर कोई बड़ी बात नहीं है, 1.5-2 साल बाद भी है, बट डेफिनेटली फिलीपींस इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगा, चाहे वो सबमरीन हो। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसकी रेंज मैं आपको बता दूं कि करीब 25 से लेकर 30 किलोमीटर के आसपास है, और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 2 करोड़ रुपए कॉस्ट आती है इसकी पर यूनिट। इंडियन आर्मी इसको बहुत ही लंबे समय से यूज कर रही है, तो फिलीपींस भी यहाँ पर मान के चल सकता है कि इट इज डिपेंडेबल। और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम फिलीपींस के अलावा वियतनाम भी सोच रहा है परचेज करने की, कोई बड़ी बात नहीं है, फिलीपींस से पहले वियतनाम ऑर्डर कर दे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। फिर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिग टिकेट आइटम है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है करीब 90 किलोमीटर की है, हालांकि मुझे लगता नहीं है ये फिलीपींस को इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट होगा इनकी ओवरऑल प्रायोरिटी लिस्ट में, मगर ये भी एक डिफेंस आइटम है जिसमें फिलीपींस इंटरेस्ट शो कर चुका है, हो सकता है कि कुछ सालों बाद ये इसको परचेज भी कर लेना। फाइनली अब आते हैं तेजस पे। ये रिपोर्ट्स बार बार पब्लिश हुई हैं कि एक्चुअली फॉरेन कंट्री, पहला फॉरेन कंट्री जो तेजस को परचेज करेगा, तेजस फाइटर जेट को परचेज करेगा, ये फिलीपींस हो सकता है। फिलीपींस का जो क्राइटेरिया है कि बजट फ्रेंडली हो ये फाइटर जेट, इसके स्पेयर पार्ट आराम से मिल जाए, सर्विसिंग आराम से हो जाए, इंडिया रिलेटिवली बहुत ज़्यादा करीब है फिलीपींस के, हर तरफ आप अगर देखो तो ये सारे चेक पॉइंट सेट करता है। फिलीपींस ऑब्वियसली चाइना से परचेज करेगा नहीं, क्योंकि चाइना से ही इनको थ्रेट है, अमेरिकन जेट्स बहुत महंगे होते हैं, रशिया पे लग चुके हैं सैंक्शंस, रफाल जैसा फाइटर जेट ये परचेज कर नहीं पाएंगे, अगेन आउट ऑफ बजट। तो हर जगह तेजस इनके लिए एक परफेक्ट फिट है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि फिलीपींस सबसे पहले इंडिया से, ब्रह्मोस के बाद सबसे पहले इंडिया से तेजस परचेज करे। और इस सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट की तरफ। इंडिया का टारगेट ये है कि 2025 तक, मतलब कि आज से 3 साल बाद, टोटल जो डिफेंस एक्सपोर्ट है हमारा ये 35,000 करोड़ क्रॉस कर जाना चाहिए। और ये तभी क्रॉस करेगा जब आसियान देश वियतनाम और फिलीपींस इंडियन डिफेंस हार्डवेयर परचेज करते रहेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, यहीं से इंडिया का जो एक ब्रांड है कि इंडियन स्टार्ट हो गया, ये बाहर के कंट्रीज परचेज कर रहे हैं, ये ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि हमको बायर्स मिलेंगे अफ्रीका से, इवन साउथ अमेरिका से, वेरियस कंट्रीज से।
तो ये एक बहुत ही मैं ज्यादा कहूंगा एनकरेजिंग एक डेवलपमेंट हुई है इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि एज इंडियंस हमने कभी भी एक्सपीरियंस किया नहीं था, वी वर ऑलवेज बायर ऑफ वेपन्स। ये हम लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम लोग बड़े स्केल पर डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करेंगे बाहर के देशों को। ना फाइनली वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ के जो 5G स्पेक्ट्रम है जिसको ऑक्शन किया जाएगा, ये कितने सालों के लिए सरकार ऑप्शन करेगी? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, 20 सालों के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे 20 ईयर ड्यूरेशन, पहले ये ड्यूरेशन बता रहे थे कि 30 साल के आसपास की होगी, मगर सरकार अब ड्यूरेशन कम करके बेच रही है। तो जो भी 5G अभी स्पेक्ट्रम बिकेगा 20 साल के लिए बिकेगा, 20 साल के बाद फिर से कंपनियों को लाइसेंस परचेज करना होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफकोर्स। 20 साल बाद 5G से काफी ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। क्या कहते हैं नतीजा, एक तरफ तो हमारे पाकिस्तानी ये कहते हैं जी कि हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर है जी, हम तो लेकिन नो डाउट हम डिफेंस में एक्सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा इतनी नहीं है जिस तरह उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी और जिस तरह वो इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी एक चीज है। और वो जो पहले लेते थे पहले इम्पोर्ट करते, मतलब वो कह रहे थे कि अब हम ब्रांड बनना शुरू, और उन्होंने एक पूरा प्लान रखा है कि अभी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर फलां कंट्रीज भी हमारे पास आएंगे, फिर फलां भी उसको सब मरीन भी चाहिए हो सकती है ये, और वो चाइना के साथ है तो हम उसको अभी अपना ब्रांड नहीं अपनी सारा कुछ चीज़ें जो है इंडिया ने बड़े एक प्लानिंग के साथ कर रहा है, और वो एक विजन है उनके पास और कितने अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है। और आने वाले वक्त में यकीनन एक्सपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने जिस तरह बताया कि 35,000 करोड़ डॉलर्स, और वो हमने किस पे करने हैं अगले पर, मतलब आज से तीन साल में 2025 के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आपने उनका एक विजन है जिसको वो लेकर चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अब इंडिया को इस इंडिया को कम्पीट करने के लिए पाकिस्तान, तो हम तो अपना मुकाबला अक्सर करते हैं जी इंडिया के साथ, बट वी आर नॉट एबल टू कम्पीट विद इंडिया। और नो डाउट इंडिया भी आने वाले वक्त में बहुत से ममालिक को टक्कर दे सकता है, और अभी वो अपनी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल पे और हार्डवर्किंग के ऊपर फोकस किया रखा है। इंडिया के हार्डवर्किंग इंडिया ने बहुत सीखा है दूसरे ममालिक से बेशक। सो इन शॉर्ट मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही मज़े का लगा, और मुझे इन्फॉर्मेटिव भी था, और आने वाले वक्त में मुझे भी लगता है। आप बताइए जी इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, क्या इंडिया बाकी एक्चुअल में एक बहुत बड़ा कंपेटिटर बनने जा रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर, नीचे दिए कौन उसके अंदर लाजमी बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह ने के बाद।